हेलो मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल मस्त हो। आप सभी का स्वागत है एंग्री भाई के एक और न्यू मजेदार वीडियो में। आप लोगों को एक बात बता दूं, स्टार्टिंग में लिटरली डायनो रिंग इवेंट आने वाला है। सुन के मजा आ गया ना। डायनो रिंग इवेंट का पोस्टर यहाँ पे देखो, कब कैसे कहाँ कितना डायमंड्स लगने वाला है, सब कुछ आज आपको पता चलेगा। आज फिर से एक भाई को रिडीम कोड मिलेगा, फिर से एक भाई को पता चल जाएगा टू नेट अपडेट क्या होने वाला है। बस रुको, यहाँ पे खत्म नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन शेड बंडल फाइनली कहाँ कब कैसे आएगा। और हाँ भाई, BRCS का भी जो रिवॉर्ड है वो भी आज पता चलेगा। तो लिटरली तबाही मतलब जहर वीडियो होने वाला है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो, ये चैनल पहली बार देख रहे हो, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों का काम यहाँ पे खत्म होता है, अभी एंग्री भाई का काम शुरू होता है। एक एक अपडेट 100% कन्फर्म बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में आज बताया आपको कि आप लोगों को बहुत जल्द, यस मेरे भाई बहुत जल्द डायनो रिंग इवेंट देखने को मिलेगा। लिटरली मैं बहुत बहुत खुश हूँ। 3 महीना पहले अभी बताया था आपको कि अगस्त महीने में शायद डायनो मंडल आने वाला है, और लिटरली यार थोड़ा लेट हो गया बट सितंबर में आ ही गया। 3 महीना पहले मैंने अपडेट बताया था तो वो सच हो गया। आज बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे जो पोस्टर आप देख रहे हो यही होने वाला है आपका डायनो बंडल। तो डायनो बंडल के लीक्स आपको तो दिखाई दिया, अभी अंदर से देखते हैं कैसा दिखेगा ये अंदर से। तो आप लोगों का जो डायनो रिंग इवेंट है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। लिटरली पूरा बंडल देख सकते हो, ये पहले आ चुका है या नहीं मुझे कमेंट में बताना। मुझे तो लग रहा है शायद नया आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ दिन तक गेम खेलना छोड़ दिया। अगर तब आ गया तो मुझे पता नहीं, बट जो भी हो अगर रिटर्न में भी आ रहा है या फिर नया आ रहा है बिल्कुल मजेदार है, इसको ले लेना, नहीं तो बाद में पछताओगे। ऐसा बहुत ही कम भाई के पास होता है। तो यहाँ पे पुराना वाला भी देख सकते हो, और यहाँ पे उसका जो ब्लू जो सबसे रेयर बोलते हैं, पहले जो बोलते थे रेयर है, तो वो भी रिटर्न में आ रहा है। तो 3-4 बंडल यहाँ पे आ रहा है, और सॉरी 4 नहीं पूरा 5 बंडल यहाँ पे आ रहा है। और नीचे जो एक बैकपैक है ये भी आपको देखने को मिल रहा है। तो भाई आप लोग किसके लिए वेट कर रहे हो यार, मतलब मजेदार है। और जो टोकन्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे वो टोकन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये टोकन से भी आप बंडल को एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना टोकन से लेने की जरूरत ना पड़े, भर भर के डायमंड जाने वाला है आपका। अभी बात करते हैं इसका डेट कि डेट कब है यार। तो डेट की बात करना थोड़ा बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका जो ऑफिशियल डेट मुझे मिला है वो 8 तारीख को मिला है, लेकिन जो कल मैंने फेरेट व्हील के बारे में बताया वो लास्ट टाइम पे एक दिन पहले आ गया। तो थोड़ा बहुत चांसेस ये बन जाता है कि इसका डेट तो ऑलरेडी 8 तारीख का है बट शायद आपको 7 तारीख को भी देखने को मिल जाए। बता रहा हूँ शायद 7 तारीख, समझ लो वर्ड समझ लो, शायद 7 तारीख को आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी एक इवेंट का डेट पहले आ चुका है। तो हो सकता है 7 तारीख को आ जाए, लेकिन बाई चांस 7 को नहीं आता, 50-50 चांस है। तो 8 को कंफर्म, मतलब मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा 7 तारीख को नहीं आया तो 8 तारीख को कंफर्म आ जाएगा। तो डायनो रिंग इवेंट किस किस को पसंद है, अगर आपको डायनो रिंग इवेंट पसंद है तो हैशटैग डायनो रिंग इवेंट बता देना कमेंट में। आज तो बहुत खुश हूँ, 4 महीना पहले अपडेट बताया, और सॉरी 3 महीना पहले जो अपडेट बताया वो आज सही हो चुका है। लिटरली बहुत खुश हूँ। अगला एपिसोड जैसा कि भाई लोग वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, आज हम बहुत सारे फ्री रिवॉर्ड की बात करने वाले हैं, जैसे कि आपके आने वाले नेक्स्ट DR42 सीजन, यस। और उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे मिलने वाला ये शॉर्ट गन की स्किन, डायमंड पे जब पहुंच जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा। कैसा लगा मुझे बताना। एंड यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स नीचे देख सकते हो, एट्रीब्यूट्स वगैरह पे ध्यान दो क्योंकि बहुत ही सही एट्रीब्यूट्स मिल रहा है। एंड आगे बढ़ते देखते हैं, यहाँ पे आपको मिल रहा है देख सकते हो ये टी शर्ट, एंड ये टी शर्ट भी काफी अच्छे लुक है, बुया पास से रिलेटेड है। उस टाइम का जो बुया पास होगा वो कुछ ऐसे ही उसमें थीम होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमको यहाँ पे ये मिल रहा है जो अवतार बैनर है, उसके बाद हमको यहाँ पे मिलेगा बैट की स्किन, बैट की स्किन भी काफी जहर है। एंड उसके बाद हमको एक बॉक्स में फिर से अवतार बैनर सीजन 42 का देख सकते हो, यहाँ पे बैनर भी है। उसके बाद हमको मिलेगा एक वॉइस पैक, और ये वॉइस पैक अभी सुनने को नहीं मिलेगा बट वॉइस पैक काफी अच्छा है। एंड ये सब आपके BR42 का होने वाला है, सीजन 42 याद रखना, जो बता रहा हूँ वही होगा, ठीक है। तो सब कुछ रिवॉर्ड आपने देख लिया, अभी बात करते हैं CS का। CS 27 आने वाला है, सबसे पहले ये पैराफेल की स्किन देखने को मिलेगा, पैराफेल स्किन का डैमेज वगैरह जो भी एट्रीब्यूट्स वगैरह है नीचे आप देख सकते हो। एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। यहाँ पे हीरोइक में पहुंचने के बाद हीरोइक के टी शर्ट आपको देखने को मिलेगा सीजन 27 CS के। और आगे बढ़ते हैं, अवतार बैनर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है,
और उसके बाद हमको यहाँ पे फिर से एक वॉइस पैक देखने को मिल रहा है, कैसा लगा मुझे बताना। फिर से बॉक्स में अप्तर बैनर ही है, ये सब नॉर्मली है, क्या दिखाऊंगा। लेकिन इलाइट मास्टर पे जब पहुंच जाओगे सीजन 27 पे, ये पराग के स्किन मिलेगा यार, बहुत टाइम साफ है सीजन 24। और साथ ही साथ यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है पराग के स्किन, तो बहुत नाइन साफी है। तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ते देखते हैं क्या है। उसके बाद सीजन 28 में देखने को मिल रहा है हमको एक एक्सीमेट की स्किन, इसका भी एट्रीब्यूट्स वगैरह आप नीचे देख सकते हो। जो भी रिवॉर्ड है 100% कंफर्म होने के बाद ही बता रहा हूँ, थोड़ा भी चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद जो मुझे सबसे अच्छा लगा ना, इस बार का टी शर्ट, मतलब स्कार बोल सकते हो पीछे लटका हुआ है, जो काफी यूनिक है, एकदम न्यू ला रहा है ये चीज, तो इसको सपोर्ट करना बनता है। इलाइट मास्टर पे पेन के स्किन मिलने वाला है सीजन 28 में, कैसा लगा। सीएस के बता रहा हूँ, नॉट बीआर, ये सब जो रिवॉर्ड है सीएस के, कैसा लगा आपको सारे रिवॉर्ड मुझे कमेंट में बताना है। कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। फाइनली अभी बात करते हैं जिसके लिए काफी सारे भाई पूछ रहे हो कि आप लोगों को जो गोल्डन शेड बंडल है, आप लोगों ने देखा होगा काफी जगह पे गोल्डन शेड बंडल मिल रहा है, नया वाला गोल्डन शेड बंडल आया है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि गोल्डन शेड बंडल जब आएगा इंडिया सर्वर में, जो नया मेल और फीमेल बंडल है वो जब डिजाइन हो चुका है, पुराना वाला कन्फर्म लिखवा लो मेरे से, कन्फर्म आने वाला है। अब पूछ रहे हो कब आएगा कि भाई कब बता दो, तो इसके बारे में भी अपडेट मिल चुका है, मैं आपको बताता हूँ। जो गोल्डन शेड बंडल है ना, इसका ऑफिशियली कोई लीक्स नहीं है, मैं बता रहा हूँ मेरे सीक्रेट तरीके से आपको बता रहा हूँ, सोर्सेस से बता रहा हूँ, नॉट ऑफिशियली लिंक कहीं पे भी कंफर्म नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो आपका गोल्डन शेड बंडल होने वाला है वो इस महीना, तो थोड़ा बहुत चांसेस कम है, नेक्स्ट महीना आपको बहुत ज्यादा चांसेस देखने को मिले। ब्लू लॉक इवेंट तो शायद शुरू होने वाला है, और ब्लू लॉक इवेंट के टाइम आने का चांस काफी ज्यादा है, नहीं तो दिवाली में तो कंफर्म। दिवाली में मैं लिखवा दो, मेरे हाथ पे स्टाम्प पेपर लेकर मैं लिख के देता हूँ, दिवाली में आएगा या उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन ब्लू लॉक या दिवाली दोनों में से एक में आपको गोल्डन शेड बंडल जो है, जो नया वाला है वो 100% आ जाएगा। और पुराना वाला अगर लेना चाहते हो तो पुराना बंडल भी कंफर्म आएगा, नया वाला जरूर ट्राई करना लेने का, क्योंकि ये रियर हो जाएगा, क्योंकि इसके एनिमेशन वगैरह काफी जहर है। और आएगा तो सिर्फ रिंग इवेंट में आएगा, ये भी कंफर्म कर दिया। चलो सिर्फ रिंग इवेंट में आएगा, कहीं फेरेट व्हील कहीं कर्पे कुछ भी नहीं आने वाला, भर भर के डायमंड लूटने वाला है, तो सिर्फ रिंग इवेंट में ही आएगा। और कुछ भी डाउट है बस मेरे को थोड़ा सा और टाइम दे दो, मैं आपको डेट भी बता दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा निकालने दो डेट। डेट तो बेसिकली मुझे एक दो दिन में मिल जाएगा, बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गिरने वाले वीडियो वगैरह देखते हैं, कभी भी स्ट्राइक मार सकते हैं, एक स्ट्राइक से चैनल उठ जाएगा, मतलब तीन स्ट्राइक वो लगातार मार देंगे ना, तो हिसाब से तीन स्ट्राइक मिलती है 7 दिन में चैनल डिलीट हो जाता है। तो इसी रिस्क की वजह से मैं फटाक से एक डेट मिलती भी नहीं बता सकता, बट आपको इशारे में समझा दूंगा, ठीक है। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना पिक्चर। एंड फाइनली अभी बात करते हैं रिडीम कोड के बारे में, जिसके लिए आप बहुत सारे भाई वेट करते हो। देखो कल के वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था, अगर 1000 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तभी एक भाई को रिडीम कोड मिलेगा, बट आप लोग जाके चेक करना भाई, दुख से बता रहा हूँ कि 1000 लाइक कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं कितने दिनों से आपको रिडीम कोड दे रहा हूँ, एंड कोई फेक भी नहीं, डायरेक्ट रियल रिडीम कोड मिल रहा है जो भी जीत रहा है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग जीतना चाहते हो तो प्लीज लाइक करो यार, फ्री के होते हैं ना, आपसे पैसे मांग रहा हूँ ना कुछ, मैं पूरा 3-4 घंटा लगते हैं एक वीडियो बनाने में, उसके बदले में सिर्फ एक लाइक मांगता हूँ यार, तो कर दिया करो। ये वीडियो में अगर 1000 लाइक्स होता है तो चलो नेक्स्ट वीडियो में 2 भाई को रिडीम कोड मिलेगा, और सारे भाई का ऑलमोस्ट बहुत सारे भाई का ट्राई करूंगा कि आपका कमेंट भी पिक हो, तो ये चीज बताने के लिए तो प्लीज कर देना यार। फाइनली गाइस टाइम आ चुका है आज के 2 नाइट अपडेट के बारे में जानने का, ये चीज काफी स्पेशल है, और ये स्पेशल इतनी है क्योंकि गिरने वाले जो बताते हैं ना वो उससे पहले 3-4 घंटा पहले नहीं, पूरा 1-2 दिन पहले आपको एंग्री भाई बताता है। तो कल कितना तारीख है, कल है आपका 7 तारीख। देखो मेरा जो रिसर्च है उसके हिसाब से तो कल 2 नाइट अपडेट होना चाहिए, लेकिन गिरना वालों ने कल के वीडियो में जाके देखना एक थोड़ा सा भाई उन्होंने मुझे झटका दे दिया, जो इवेंट 6 तारीख को आने वाला था वो उन्होंने 5 को ही डाल दिया गेम में, तो इसीलिए सारे इवेंट का थोड़ा शेड्यूल चेंज हो सकता है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जो डायनोडिंग इवेंट दिखाया है उसका डेट ऑलरेडी मेरे हिसाब से 8 तारीख को कन्फर्म है, क्योंकि फेरेट व्हील 1 दिन पहले आ चुका है, तो चांसेस थोड़ा बहुत बन चुका है कि आपको डायनो इवेंट भी ये थोड़ा पहले डाल दे, 1 दिन पहले मतलब कल को 50% चांस है कि कल आपको डायनो रिंग इवेंट देखने को मिले, 50% बता रहा हूँ। एंड कल अगर बाय चांस नहीं आया, नो टू नेट अपडेट हो गया, तो भाई 110% है कि 8 तारीख को आपको डायनो इवेंट देखने को मिले, और वहां से आप आपके फेवरेट डायनो बंडल निकाल सकते हो। तो कल के लिए अपडेट यही है कि 50% चांस है डायनो इवेंट आए, और परसों को नहीं आएगा तो फिर, और अगर कल नहीं आया तो परसों को मतलब 8 तारीख को कन्फर्म आ जाएगा। अभी तक वीडियो देख रहे हो थैंक यू सो मच, लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, हो गया आपका काम, और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, बस इतना ही प्यार कर दो। एंड आगे बढ़ते हैं, आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।